नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। 27 फरवरी 2018 पंडित चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान दिवस को मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन वंदे मातरम दिवस के रूप में मनाएगा। पिछले साल 27 फरवरी 2017 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम में स्वराज रक्षक सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा। ऐसा करने से उन लोगों को सामने लाया जा सकेगा जो वास्तविकता में देश हित में कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करना समय की मांग है। स्वराज रक्षक सम्मान और वंदे मातरम दिवस दोनों ही देश प्रेम के पथ पर अपने तरीके से देश सेवा को परिभाषित करेंगे। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि हमें इन अमर बलिदानियों का सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। मातृभूमि के सम्मान के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले अमर शहीद हमारे लिए पूजनीय हैं। उनके दिखाए मार्ग पर हम सबको चलना होगा। मिशन वंदे मातरम हमेशा राष्ट्रभक्ति से प्रेरित कार्यक्रम आयोजित करता आया है और समय समय पर कोई विषय वस्तु को लेकर आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं किया है। देश के लिए जीना और मरना इसके सिवा कुछ नहीं उद्देश्य के साथ ही अभी तक की कार्यनीति रही है और भविष्य में भी यही भूमिका होगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिशन वंदे मातरम द्वारा देश प्रेम कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों का पहुंचना इस बात का प्रतीक है कि मिशन वंदे मातरम लोगों के अनुकूल काम कर रहा है। अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने अपनी टीम का धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी के सामूहिक प्रयास का ये नतीजा है कि हम लोग मनवांछित परिणाम दे रहे हैं। जिन राजनेताओं ने अपना सहयोग हमें दिया है उन सभी का हम आभार प्रकट करते हैं।